इंदौरी भैया की सबको राम राम। तो आज हमारे पास क्या रखा है? आज आ रखे हैं हमारे पास एयरबड्स मिनी 2। नॉइज ने एयरबड्स मिनी लॉन्च करे थे, बड़े चले थे और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन में थे। अब मिनी 2 को लेके बात करूं तो डिजाइन के मामले में कितना इंपैक्टफुल है उन्होंने काम किया वो जानेंगे वीडियो में। बट भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, वो दबा देना अगर कंटेंट पसंद आए तो। आगे डब्बे की बात कर ले, डब्बे में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रांडिंग वगैरह कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज को लेकर बात करते हैं, एक साल का वारंटी कार्ड है, एक मैनुअल है, एक स्टीकर आपको देखने को मिल रहा था नॉइस की तरफ से, एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी आपको टाइप सी वाली, और मिल जाएगा आपका मेन डिवाइस। अब मेरे पास डिवाइस जो है यहाँ पे दो कलर में आ रखा है, एक तो ये ब्लू वाला कलर है जो कुछ इस तरह का है और ये व्हाइट कलर है, तो ये दोनों कलर अच्छे लग रहे हैं, प्रीमियम फील दे रहे हैं। अब यहाँ पे टेक्सचर को लेके बात करूँ तो हल्का सा इन्होंने ग्लॉसी फिनिश का एक लाइन डाला है इन्होंने, बाकी जो डिवाइस है वो पूरा आपको मैट फिनिश में देखने को मिलता है। अच्छी बात है कि मैट फिनिश है, रीजन क्या होता है ना, जैसे स्क्रैचेस को लेकर बात करें या फिंगर टचेस को लेकर बात करें तो ग्लॉसी वालों में ना वो बहुत दिखते हैं, वो नजर में ज़्यादा आते हैं, बट मैट फिनिश का वो चीज़ नहीं है, तो ये एक अच्छा करा है कि उन्होंने उसको मैट रखा हुआ है और मैं पर्सनली फैन हूँ इसका। बाकी फिजिकली आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बढ़िया जो है लाइट इंडिकेशन दे रखी है, बैटरी के लिए नॉइस का लोगो लगा हुआ है, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट और आपको एक रीसेट बटन देखने को मिल जाता है। अब इस प्राइसिंग पे रीसेट बटन वाली चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत इंपैक्ट करती है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर ये बात ईयरबड्स को लेके तो ईयरबड्स का डिजाइन डेफिनेटली मिनी है, साइज में आपको छोटे देखने को मिलते हैं और ये इन ईयर टाइप वाले हैं, इसमें आपको सिलिकॉन देखने को नहीं मिलेगा, नॉन सिलिकॉन वाले हैं, तो जो भी नॉन सिलिकॉन फैंस है भाई उनको बड़ा मजा आएगा, ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज आती है। अब रही बात देखो फिटिंग को लेकर, तो फिटिंग अच्छी है और ऐसे दिक्कत नहीं है कि आप वर्कआउट के टाइम पे पहन रहे हो, रनिंग के टाइम पे पहन रहे हो, पहन सकते हो, गिर नहीं रहे, कान से गिरते नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी सही लगी इसकी। अब सवाल देखो परफॉर्मेंस के बारे में आता है, तो यहाँ पर जो है ब्लूटूथ 5.3 के साथ ही आते हैं, तो कनेक्टिविटी में ऐसा आपको दिक्कत नहीं मिलने वाली है, मतलब अगर आप 10 मीटर की रेंज में हैं, कनेक्टेड है, आपका फ़ोन में भी लेटेस्ट ब्लूटूथ है, तो ये बढ़िया तरीके से चलते हैं। अब वाटर रेटिंग है तो वाटर रेटिंग आपको IPX5 मिल जाती है, अब अगर आप जा रहे हो वर्कआउट करने के लिए, स्वेट वगैरह आ रहा है, बेफिक्र होकर कर सकते हो क्योंकि ये बढ़िया जो है सर्वाइव कर जाते हैं। अब सवाल उठ के आता है बैटरी परफॉर्मेंस को लेके, तो 45 घंटे कंपनियां कहना है कि 45 आवर्स तक जो है ये डिवाइस चल जाते हैं, जो कि मेरा सबसे बड़ा क्लेम है, और अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके मैं बात करूं तो 30-35 आवर्स का परफॉर्मेंस आप डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंगल यूजेज की बात करूँ तो 4 to 5 आवर्स में जो है आपको परफॉर्मेंस दे देंगे अगर आपने एक बार इनको चार्ज किया तो। परफॉर्मेंस बैटरी की डिसेंट है, जो कि नॉर्मली आती है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हाँ, एयरबड्स मिनी से तो डेफिनेटली बेहतर है, मिनी के जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कम था क्योंकि साइज बहुत छोटा रखा था, तो उसकी वजह से उन्होंने बैटरी भी कम लगा रखी थी। अब साउंड क्वालिटी देखो, अगर हम लोग बात करें डिवाइस में तो 13 mm के ड्राइवर्स इन्होंने यूज कर रखे हैं, और मुझे यहाँ पर साउंड क्वालिटी में एक चीज अच्छी लगी कि क्लैरिटी अच्छी प्रोवाइड कर रखी है। टेबल्स के जो यहाँ पे पोर्शन है जो कि हाई लोज मिड्स है वो कहने के आपको बेहतर देखने को मिलता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बोट के एयरबड्स जब देखे और टेस्ट करे मैंने, तो वहाँ पर जो है मुझे लगा था कि यार ये साउंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हैं और कान में चुप भी रहते फुल वॉल्यूम पे, बट वो चीज़ इन ईयरबड्स के साथ में नहीं है। मतलब आप अगर फुल वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कान में डिस्टॉर्शन जैसा या कान में चुभने जैसा, तो हाँ ये बात पे मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। बेस के अगर बात करूँ तो बेस क्योंकि नॉन सिलिकॉन वेरिएंट है तो इतना ज़्यादा बेस जनरेट नहीं कर पाता है, बट हाँ डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बेस का, जो कि अच्छा है, डिसेंट है एक नॉन सिलिकॉन ईयरबड्स के हिसाब से। अब आजकल ना गेमर्स बड़े हो गए हैं, मतलब गेमिंग का तो सीजन वापस आ चुका है क्योंकि BGM वापस आ गया, हम लोग भी खेलते हैं, तो यहाँ पर 50 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस इन्होंने बोली है, मतलब अगर आप खेलेंगे तो 50 ms तक की आपको जो है लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आप एक्सट्रीम गेमर हैं या हेवी गेमिंग करना पसंद करते हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप गेमिंग वाले ईयरबड्स के साथ जाओ जो आपको 35-40 ms की लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, बट अगर आप एक कैजुअल गेमर है और नॉर्मली इसे खेलना पसंद करते हैं कभी रैंडमली, तो फिर आप 50 ms वाले गेमिंग मोड को ऑन करके उसका थोड़ा सा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट ले सकते हो, यानी कि जो आपका नॉर्मल मोड है उससे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेहतर लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब वैसे मैं यहाँ पे कॉलिंग को लेकर बात करूँ तो ऐसे जिन्होंने कॉर्ड माइक्रोफोन वाली चीज़ मेंशन नहीं कर रखी, बट काफ़ी आजकल ईयरबड्स में वो चीज़ आती है, तो हम लोग एक काम करते हैं प्रॉपर टेस्ट करके देखते हैं किससे क्वालिटी मिलेगी आपको कॉलिंग के टाइम पे। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देने वाले हैं जब आप गेमिंग या फिर कॉलिंग के टाइम पे इनको यूज़ करेंगे। अब बाकी ईयरबड्स में आपको टचेस तो दे रखे हैं, टच से आप अपना प्ले पॉज, म्यूजिक वगैरह चेंज करना है, ट्रैक्स चेंज करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है वो कर पाओगे, तो असिस्टेंट वगैरह वेक करना है या फिर आपको गेमिंग मोड में जाना है तो वो सारे फंक्शंस आपको टच में मिल जाएंगे, मैनुअल में दे रखे हैं पूरे डिटेल में, तो आप समझ सकते हो। तो ऐसे टच रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं, टच रिस्पॉन्स काफ़ी प्रॉपर है और आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से टाइम पे देखने को मिल जाता है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च कर रहे हैं। अब 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से कहना कि ये डिसेंट प्रोडक्ट है, मतलब अगर आप देखेंगे कंपटीशन में तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं सेम प्राइसिंग पे, तो अगर मैं इन ईयरबड्स को कंसिडर करना चाहूँ तो यह जो मिनी वाली जो उन्होंने बात करी थी वो तो मुझे फील नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल ईयरबड्स का साइज़ भी कुछ इस तरह का ही रहता है, मिनी जो था एग्जैक्टली ईयरबड्स मिनी वो बहुत कॉम्पैक्ट थे और बहुत प्रोमिनेंट और अच्छे ईयरबड्स थे, उनके मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको ईयरबड्स का केस थोड़ा सा बड़ा लग सकता है। सेकंड बहुत चीज़ की मुझे बड्स मिनी का जो है बेस ज़्यादा बेहतर लगा था कम्पेयर टू दिस। तो एट दिन कंपेरेटिवली अगर इस प्राइसिंग पे अगर आप देखें तो डिसेंट है। अगर आपको लेना का मन है, अगर आपको पसंद आया, समझ में आ रहा है तो आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ऑप्शन आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल है, आप उनमें से भी जा सकते हो। बाकी कोई सवाल या मन में डाउट रह गए हों इस डिवाइस से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप बिंदास से कमेंट वगैरह कर सकते हैं और मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई वगैरह दूंगा। बाकी जाते थे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करना और कमेंट करके जाना प्यारा सा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें खुशी मिलती है तो एक अच्छा कमेंट जरूर से बनता है। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।